ये बिल्ली उल्ली रोना उसका आप चिंता मत करिए, मैं आया हूँ तो मेरा प्रेजेंस ही काफ़ी है। जैसे मेरा गुरुजी एक नरसिंह साधक थे, तो कहीं ऐसे जो कोई नहीं कर सकता था खाली घूम के जाके ऐसे देख लेते थे, तो उनका वो समस्या समाधान हो जाता। ऐसे ही मेरा एक गुरुजी हैं जो बहुत बड़ा देवी साधक है, देखा हूँ बड़े बड़े जगह पे भी वो लोग उनको खास बुलाते हैं कि आपका पैर हमारे घर में गिर जाए। कहीं भी बड़ा बड़ा कार्यक्रम में जाते हैं, प्रवचन में कुछ भी, तो बड़े बड़े सेठ जी लोग ऐसे बुलाते हैं, बोले महाराज थोड़ा सा घर में, भी मना करते नहीं 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 जाऊँगा, तो एकदम पैर में सो के बोलते हैं थोड़ा चलिए ना हमारा घर थोड़ा चलिए। इसीलिए ब्राह्मण पंडित साधु सन्यासी संत महात्माओं को घर में बुलाया जाता है कि उनका श्री चरण आपके घर में गिरे, उनका पैर का धूल गिर जाए तो उस घर में रहने वाला सारा नेगेटिव भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन सब भाग जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी सब भाग जाते हैं, तंत्र मंत्र जंतर झाड़ फूक ये सारा न्यूट्रल हो जाता है उनका प्रेजेंस मात्र से, क्योंकि वो प्रचंड साधक होते हैं। मेरे अपने ज़िंदगी में मैं मेरे गुरुजी से सीखा हूँ, देखा हूँ, मेरा दादाजी लोग भी थे तो देखा हूँ, और मेरे जो दादाजी थे उन जो वो जाते थे तो लोग उनका घर में ले बोला देख जाऊँगा जो खिलाना नहीं फिर उनका पैर में पकड़ के तू तो खिला देगा मेरे को, नहीं थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा शरबत दे देते हैं, थोड़ा सा चाय दे देते हैं, जबरदस्त वो दिया भी दे दिया तो मोटा दक्षिणा भी दे देते, पकड़ में एकदम बंडल ला के डाल। मैं पहले पहले सोचता था ये लोग पागल है, बूढ़ों को ला के खिला रहे पिला रहे और फिर पैसा भी दे रहे, क्यों दे रहे। अच्छा बूढ़ों का एक आदत था किसी का घर भी जाएगा तो थोड़ा सा मनी मन शांति मंत्र भी कर लेगा ऐसा देख के, भाग भाग बोलता है मैं बोला बूढ़ों पागल हो गया क्या, भाग भाग किसे बोल रहे कोई नहीं दिख रहा है ठीक है। तो ऐसे जो साधु संत महात्मा सत्पुरुष होते हैं जिनका साधना है, नित्य प्रतिदिन साधना करते हैं, त्रिसंध्या गायत्री वाले, नित्य चंडी पाठ वाले, नित्य कवच पाठ वाले, नित्य दूसरे का भला करने वाला, विनती करने वाले, ऐसा कोई भी हो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ केवल हिंदू, फादर चर्च का फादर भी हो मौलवी भी हो, वो गलत करे वो समझे, अगर वो लग जाएगा कि हाँ यार ये मौलवी साहब मैं देखा ऐसे हैं उनको कोई मतलब नहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, नो वो अपने पे रमे रहते हैं फकीर। ऐसे फादर भी देखा हूँ, मेरे बहुत सारे अच्छे चर्च के फादर हैं जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा उठना बैठना है, बैठते हैं तो घंटों डिस्कशन करते हैं, वो बोलते हैं मना करते हैं मेरे को कि आप मेरा वीडियो यूट्यूब में मत करो बिकॉज मेरा कुछ क्राइटेरिया है, अलग बात है। लेकिन हम लोग बहुत समय फादर्स के साथ डिस्कशन, एक क्रिश्चियन गुरु भी है हालांकि मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन वो क्रिश्चियन है, हाँ वो मेरे से ज्ञान लेता है मैं उससे ज्ञान लेता हूँ, हम लोग दोनों डिस्कस, वो अपना बाइबल के थॉट में बोलता है मैं अपना गीता में बोलता हूँ, लेकिन बोलता है डिस्क्लोज मत करना, ठीक है अच्छा है। और वो बेचारा मेरे पास ऐसे कुछ लड़कियों को मेरे पास भेजता भी है, अभी एक लड़की का क्रिश्चियन लड़की है रुद्राभिषेक के लिए आई थी, शादी नहीं हो पा रहा था उन्हें, तो वो फादर भेजे थे, मैं तेरी बोला आप क्यों भेजते हो, बोला नहीं मेरे को लगा बिकॉज ऐसा ऐसा है ऐसा ऐसा हुआ था, सब बोला नहीं चाहिए किसी धर्म के ऊपर कष्ट हो जाएगा, तो वो बाय द ऑर्डर ऑफ हिज फादर वो मेरे पास उसको आई थी, उसका कुछ ऐसा समस्या था। मैं भी डरा भाई मैं कृष्णा लड़की को कैसे रुद्राभिषेक कराऊं, तो खुद फोन क्यों करके बोले भगवान का थोड़ी जात होता है तुम पंडित का जात होता है ठीक है। तो ऐसा है ना ये जब भी कोई ऐसा एनर्जी मिल जाए आ जाए तो आप उसका, मैं अभी मेरा घर में भी तो रास्ते में बढ़ो जा रहा था तो मेरा हम लोगों का मेरा जो अभी दो ही दादाजी बचा है, लास्ट तीन दादाजी बचे हैं मतलब दादू जिसको बोलते हैं, मेरा दादा का मेरा पिताजी का भाई सिस्टम्स, तो हमारे वंश का मात्र तीन पीस बचे हैं, दो तो दूर में रहते हैं एक आसपास रहता है लेकिन है पागल महाकवि ठीक है, सुनाई देता नहीं है उसको, देखा रास्ता में पकड़ा बोले चल घर राइट तू मेरे घर लेके जा रहा है अभी खिलाएगा पिला, बोला चल ना तो उसको लिया बढ़िया से मालिश वालिश कराया खिला पिला, मैं बोला देख तेरा राहु महादशा है, राहु माने दादाजी, राहु माने ससुर, राहु माने ससुर इसका सेवा कर बढ़िया से, खिलाओ पिलाओ मालिश कराओ और जो बोलता है खिलाओ, जाने का टाइम में 100-200 रुपये पॉकेट में डाल देना, ये खुश होकर एक आशीर्वाद दे दे तो तेरा सारा राहु महादशा खत्म एक ही दिन में, गारंटी है। तुम जाके अगर तुम्हारा किसी का राहु महादशा चल रहा हो और घर का बूढ़े बुजुर्ग बड़े इनका अगर सेवा साधना तपस्या कर दिया एक बार और वो प्रसन्न होकर एक आशीर्वाद दे दिए तो उनको अगर जीत लिया हृदय तो क्या करेगा आग्रह तुम्हारा, छोटा सा चीज है, विश्वास का खेल है, टेक्निकल खेल है, किया तो मिला नहीं किया तो भोगा,
इसलिए बोला भोगो नहीं तो जोगो। क्लियर? कुछ तो तुम्हारा मेरा पूर्व जन्म का संपर्क होगा आप लोगों का, इसलिए तो 20-25 साल से तुम लोगों के पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं। हाँ वही ऊपर वाला ही जुड़ता है। ये तो और कौन है, किसके घर से? पापा जो डेथ हुए उस टाइम में और मम्मी का टाइम में जी, हम लोग ये बिल्डिंग से आगे वाला बिल्डिंग लगा देते हैं। उस टाइम में कराटे नया नया लगा देते हैं। उस टाइम में मम्मी का माने तबीयत खराब था जी, ब्रोंकाइटिस हो गया था। हां हां, इसीलिए ना कोई भी ऐसे पंडित साधु संत सन्यासी फकीर मिल जाए ना तो जरूर उनका सानिध्य, वो प्रेजेंस, खाली खड़ा होना ही समाधान हो जाता है। ये आदमी का जान नहीं जा रहा था तो मेरे को बुलाया, थोड़ा थोड़ा खाली आके देख लीजिए। मैं बोला देख, मैं जाके देखूंगा तो उसका जान जाएगा नहीं, मेरा ऐसे ही कुंडली है। मैं दूसरे को बोला तू जा, वो मर जाएगा। तुम मेरा वहाँ एक तो दादा भाई का भाई था, बोला ए भाग, मेरे को ऐसे बोल के बोला भाग यहाँ से। उसको ज्योतिषी था, उसे पता था ये इसका जो अष्टम हाउस में जो जो प्लैनेट बैठे हैं ये बैठेगा, ये मरेगा नहीं। मेरे को भगाया तब मेरा दादाजी का प्राण गया, मेरे को याद है आज भी। तो होता क्या है ना, कुछ लोगों का प्रेजेंस में प्राण नहीं जाता है, कष्ट पाते रहता है, और कुछ लोगों का अनप्रेजेंस प्राण भेजा। तो ये अपना अपना अलग अलग फैक्टर है, कुछ नहीं। मेरे को बहुत सारे लोग, मेरे खुद अपना गुरुजी हैं, वो मैथमेटिक वाला लेक्चर है, आंटी है, त्रिपाठी आंटी है, भाई अच्छू को उठी थी क्या सुनो ठीक है कुछ नहीं, जाने से इतना खाना खिलाएगी क्या, मतलब क्या हो गया, जाऊँ खाना खिलाए ऊपर में पॉकेट में पैसा दे दे, क्या हो गया। वो जो प्लैनेटरी एनर्जी है उनको मेरे से मिलता है, वो ऊर्जा मेरा प्रेजेंस ही उनको साहस दे देता है, उनका आगे पीछे कोई नहीं है। ऐसे बहुत है मेरे साधक, ऐसे बहुत से हैं जिनका दुख हुआ ना तो पहला मेरे को याद करेंगे, फोन करेंगे। मैं अपना गर्व घमंड नहीं कह रहा हूं, मतलब उनका प्लानिटरी ऊर्जा को सपोर्ट मिलता है, सहायता मिलता है, मेरे से ऊर्जा लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ ये त्रिसंध्या करता है, उनको पता है कि ये तीनों बार पाठ करता है, उनको पता है कि ये ध्यान करता है, ये योग करता है, इतने को कितना भी टेंशन दे दो फिर उठ के खड़ा हो जाएगा ठीक है, इसको कितना भी दुख सुना दो फिर खड़ा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है। तो अपने को भी ऐसा बनाओ, ओके, चलिए।